हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमी डिस्कस कर रहे थे और उसमें टेस्ट पेपर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म। तो फ्रेंड्स, किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी का इन्वेंट्री क्या होता है आपसे वो पूछा गया है। तो इन्वेंट्री के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री एक स्टॉक वेरिएबल है जो पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। और इन्वेंट्री उन सभी चीज़ों का स्टॉक है, ठीक है, या तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो सकता है कंपनी का, या तो वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो सकता है यानी कि जो प्रोसेस में है, या फिर जो रॉ मटेरियल्स है जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करेगा कंपनी, उन सभी चीज़ों का स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं, जो अब तक बिके नहीं है यानी वो अब तक सेल आउट नहीं हुए हैं। अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स और द सेमी फिनिश्ड गुड्स, इनको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट है, इट इंक्लूड्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स बट नॉट द रॉ मटेरियल्स। तो फ्रेंड्स, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स को भी एस्टिमेट किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद आइए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, द राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ अ फर्म ओवर अ ईयर इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय द फर्म। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और जो डेफिनेशन मैंने आपको दिया उस हिसाब से आप सोचिए तो ये भी आपको भी सही लगेगा, क्योंकि जो भी इन्वेंट्रीज है वो अभी सेल आउट नहीं हुए हैं बट वो इन्वेस्टमेंट है, कभी ना कभी तो वो सेल आउट होगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है और आंसर बन जाएगा इसका 2 ओनली, ऑप्शन बी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR के बारे में पूछा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो फ्रेंड्स, ये एक इंटरेस्ट रेट होता है, इसको थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट रेट बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये एक तरह समझिए ये एक थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट रेट ही है, जिसके मतलब जो फिक्स कर दिया जाता है बैंक के द्वारा कि उस कि इतना इंटरेस्ट रेट मिनिमम है, उससे कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक पैसा लेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एक मिनिमम या थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट रेट होता है जिसके नीचे बैंक को परमिशन नहीं है कि वो पैसा लेंड करे। ठीक है, और ये डिटरमाइन किया जाता है एक रेगुलर इंटरवल पर। ठीक है, खुद बैंक के द्वारा इंटरनली इस पर फैसला लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जगह पहले बेस रेट हुआ करता था, जिनको 2016 में रिप्लेस कर करके मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक बिलो विच इट नॉर्मली कैन नॉट लेंड। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ डिटरमाइंड एट रेगुलर इंटरवल, ये बात सही है, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इट इज़ डिटरमाइंड एट रेगुलर इंटरवल्स बाय द बैंक्स इंटरनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट, ऑप्शन ए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर रिसेंटली सीन इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ITER के बारे में आपसे पूछा है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, उसके बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक पावर प्रोजेक्ट है, यानी जो ITER है यह एक पावर प्रोजेक्ट है जो 1985 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, रसिया और USA, ये सब एक कोलैबोरेशन में शामिल हैं। ठीक है, और इनका एम है टू बिल्ड एंड ऑपरेट ITER एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम भी है थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो इनका एम है टू बिल्ड एंड ऑपरेट द एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ऑफ ITER, और यह एक फ्यूजन डिवाइस रिएक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ न्यूक्लियर फीसन रिएक्शन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये एक फ्यूजन रिएक्शन एनर्जी प्रोजेक्ट है, फीसन एनर्जी रिएक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसके जगह फीसन के जगह अगर फ्यूजन होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। और सेकंड है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, रसिया, ये सारे कोलैबोरेशन में हैं, 35 ईयर का इनका कोलैबोरेशन है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पूछा है। देखिए, पहला स्टेटमेंट लिक्विड, सेकंड प्लाज्मा, थर्ड गैस, फोर है
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो फ्रेंड्स ये चारों ही आपके स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अब आप कहेंगे सॉलिड लिक्विड गैस ही तो है, तीन ही है, लेकिन चौथा के रूप में प्लाज्मा को इंट्रोड्यूस किया गया है, प्लाज्मा ऑब्जर्व किया गया था, जिसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर किया गया है फ्रेंड्स। और ये जो प्लाज्मा है ये एक गैस लाइक मैटर होता है जिसमें पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज लगभग जीरो के बराबर होता है, यानी नहीं होता है। तो ऐसे स्टेट्स को हम लोगों ने कंसिडर किया या उनको एक नाम दिया है प्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपका एक स्टेट ऑफ मैटर है। और जो ये फोर्थ नंबर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो फ्रेंड्स इनको अभी हाल ही में नासा ने ऑब्जर्व किया है, एक मैटर का एक अलग रूप देखा गया है जिनको इन लोगों ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम दिया है। फ्रेंड्स इनको बोस आइंस्टीन का कंडेंसेट का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो इंडियन मैथमेटिशियन हैं सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर के इनको पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस जो है ऐसे किसी स्टेट्स का, मैटर के किसी ऐसे रूप का एग्जिस्टेंस है, ऐसा प्रेडिक्शन उन लोगों ने करके गए थे। तो इस वजह से जब नासा का ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि वाकई में ऐसे स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर उनको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम दे दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पांचवा स्टेट्स होगा, यानी इनको फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर के रूप में कंसिडर किया गया है। तो इसलिए आपके चारों ही आंसर करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 है, G4 वायरस सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज। तो फ्रेंड्स G4 वायरस जो है यह स्वाइन फ्लू और H1N1 वायरस का कॉम्बिनेशन है जो सुअरों में पाया जाता है। G4 वायरस जो है वो सुअरों में पाया जाता है, चाइना में मिला था। आपको पता है कि वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज़्यादा सुअर पाए जाते हैं, तो वहीं पर यानी G4 वायरस इज़ रिलेटेड टू स्वाइन फ्लू और H1N1 वायरस फाउंड इन पिग्स। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वाइन फ्लू। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 है, द टर्म नियोवाइज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो फ्रेंड्स नियोवाइज जो टर्म है ये क्या है, इनको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स नियोवाइज क्या है कि अभी अभी हाल ही में नासा के टेलीस्कोप द्वारा एक कॉमेट ऑब्जर्व किया गया था, एक कॉमेट को देखा गया था जो अर्थ के काफ़ी करीब थे और वो 6800 ईयर्स के बाद दोबारा अर्थ के करीब आएगा, तो उनको नाम दिया गया था C2020F3। ठीक है, उन्हें को नियोवाइज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देख लीजिए, अ कॉमेट सीन रिसेंटली दैट विल रीविजिट अर्थ अबाउट 6800 ईयर्स। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, करेक्ट। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कहाँ गया, अच्छा यही था 66। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। तो फ्रेंड्स GDP के बारे में काफ़ी चर्चा पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया, उस बेसिस पर आंसर करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, GDP का डेफिनेशन है ये। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस सच एज बार्टर एक्सचेंज आर नॉट इंक्लूडेड इन द GDP एस्टिमेशन। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो भी बार्टर एक्सचेंजेस हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द GDP एस्टिमेशन, यानी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जितने भी होते हैं उनको GDP में इंक्लूड नहीं किया जाता है। GDP में सिर्फ मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो है उनको इंक्लूड किया जाता है, यानी कि सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू का एस्टिमेशन होता है ये GDP। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, राइज इन GDP इंडिकेट्स दैट ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री आर बेटर ऑफ टुडे दैन इन द पास्ट। तो फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है, क्योंकि GDP बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है कि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हों जिनके हाथ में, यानी कि कुछ ही ऐसे लोग हों या फिर कुछ ही ऐसे कंपनी हो, फर्म हो, जिनके वजह से GDP में जो है वो ग्रोथ देखने को मिला है। तो इससे कंट्री के हर एक रेसिडेंट्स का भला हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका करेक्ट हो गया 1 एंड 2, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, देखिए 1 एंड 2। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करते हैं ताकि इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव किया जा सके। इन्फ्लेशन का टारगेट होता है उनके पास +2 -2। ठीक है, यानी एक टारगेट फिक्स है, उससे दो ऊपर जा सकते हैं, दो नीचे जा सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिकमेंडेड बाय MPC, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा क्या रिकमेंड किया जा सकता है टू कंट्रोल डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन नहीं है ये, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी कि एक तरह समझिए ये मंदी का दौर आ गया, काफ़ी जो सामान है उनका डिमांड काफ़ी कम होने लगा है,
यानी मार्केट में डिमांड काफ़ी कम होने लगा है, जिसके वजह से, और ये डिमांड अगर ज़्यादा दिन तक मंदी अगर होता है तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, प्रोडक्शन बंद होने लगते हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ने लगती है, यानी कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए डिफ्लेशन जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, अगर वो ज़्यादा दिन तक रहे, यानी एक तरह से बोल सकते हैं मंदी, प्राइस का डिक्रीज होना। डिफ्लेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो कहता है कि इफ़ देयर इज डिक्लाइन इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, तो उसको हम लोग डिफ्लेशन बोल सकते हैं। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए MPC क्या क्या कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इंक्रीज, पहला स्टेटमेंट है इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो उसको अभी लिंक करेंगे इसमें। तो ये देखिए, कैश रिजर्व रेशियो वो होता है, एक प्रकार का ये रिजर्व है जो बैंक अपने पास रख लेती है। जो भी कस्टमर्स उनके पास पैसे डिपॉजिट करते हैं, उस पैसे में से कुछ परसेंटेज बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब आप सोचिए, बैंक अगर ज़्यादा पैसा अपने पास रख लेगी, बैंक अगर रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगी, यानी कि ज़्यादा पैसा अपने पास रिजर्व के रूप में रख रही है, तो उनको मार्केट में लेंड करने के लिए पैसे जो है बैंक के पास, यानी बैंक के पास जो है लिक्विडिटी कितना बचेगा? कम बचेगा, ठीक है। अब अगर वो पैसे, लिक्विडिटी कम बचेगा, यानी तो लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो क्या होगा? डिफ्लेशन। अपन को डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो कैश रिजर्व रेशियो को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि बैंक के पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो, तो फिर लोगों के पास पैसे ज़्यादा जाएँ, और लोगों के, यानी कि जब भी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है, ठीक है, तो उसके लिए एक ही सजेशन है कि लोगों के हाथ में पैसे दीजिए, लोगों के हाथ में पैसे बढ़ाइए, ताकि लोग जो है डिमांड करना शुरू करें। जैसे ही इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा तो फिर से जो है डिफ्लेशन को कम किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी चीज़ें हैं, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सबको डिक्रीज करेंगे तभी डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। इंक्रीज करने से नहीं होगा, इंक्रीज करने से तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो इसलिए आपका सिर्फ आंसर जो बनेगा, सिर्फ तीसरा, देखिए तीसरा स्टेटमेंट है डिक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट, तो सिर्फ ये हमारा आंसर बनेगा, आंसर हो जाएगा 3, ओनली बी ऑप्शन। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी मेजानाइन फाइनेंसिंग रेफर्स टू। तो फ्रेंड्स, मेजानाइन फाइनेंसिंग जो है वो डेप्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग दोनों का मिक्सचर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजानाइन फाइनेंसिंग, यानी डेप्ट और इक्विटी इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? मेजानाइन फाइनेंसिंग, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मेजानाइन फाइनेंसिंग जो है अपने इंडिया में ICICI वेंचर फंड्स जो है, दैट इज़ द फर्स्ट फंड इन इंडिया ऑफ दिस टाइप, मेजानाइन फाइनेंसिंग टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए आंसर करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन, अ टाइप ऑफ फाइनेंस इन विच अ बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स, ये मेजानाइन फाइनेंस नहीं होता है। बी ऑप्शन है, फाइनेंसिंग बाय एन इंडिविजुअल इन अ न्यू और स्मॉल बिजनेस वेंचर्स, तो ये भी नहीं है। थर्ड देखिए, सी ऑप्शन, हाइब्रिड ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, तो यही आपका आंसर है, हाइब्रिड ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग दैट गिव्स अ लेंडर द राइट टू कन्वर्ट एन इक्विटी इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन, जो डेप्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग का मिक्सर मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा है, तो आपका थर्ड सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमी टैक्स एक्सपेंडिचर रेफर्स टू। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है वो आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स, टैक्स एक्सपेंडिचर जो है एक तरह से, मतलब टैक्स एक्सपेंडिचर सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि ये वो होना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स कलेक्शन में जित पैसे खर्च होते हैं उनको टैक्स एक्सपेंडिचर बोलना चाहिए कायदे से, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स एक्सपेंडिचर जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है एक तरह से, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग एट कंसेशनल रेट्स, यानी कि जैसे मान के लिए कुछ टैक्स पेयर्स को टैक्स माफ़ कर दिया जाता है या फिर उसमें कम कर दिया जाता है, डिडक्शंस, रिबेट्स, डेफरल क्रेडिट्स, तो इन सब को हम लोग बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर, यानी एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ टैक्सिंग एट कंसेशनल रेट्स, यानी कम रेट पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं उनको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। तो आपका आंसर इसमें देखिए, पहला है द एक्सपेंडिचर शोन ऑन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट टू अवॉइड टैक्सेस, तो ये नहीं है। बी ऑप्शन है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लाइंसेस, तो फ्रेंड्स ये भी नहीं है। डी ऑप्शन देखिए, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग एट कंसेशनल रेट्स, तो यही आपका आंसर है, आंसर बन गया ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना नंबर था? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन
डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो फ्रेंड्स इन टर्म्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये सब क्या होता है कि इनमें कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, तो इस वजह से इन्फ्लेशन तो क्लियर ही होगा महंगाई, डिफ्लेशन जो है वो मंदी, और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन उसको बोलते हैं जब इकोनॉमी में महंगाई तो है लेकिन महंगाई बढ़ने का जो रेट है वो काफ़ी कम है, यानी कि महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन काफ़ी स्लोली बढ़ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए डेफिनेशन, मतलब इसके जो डिफरेंसेस दिए गए हैं नीचे उसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है व्हाइल डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, यही है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 68 में पीछे बताया था डिफ्लेशन के बारे में कि डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, तो बिल्कुल सही बात है ये, थ्रू आउट एन इकोनॉमी। व्हाइल डिसइन्फ्लेशन इज द रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, यही चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है डिफ्लेशन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी वेयर एज डिसइन्फ्लेशन डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल सही बात, आप इस पर सोच करके देखिएगा, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन का पहले डेफिनेशन क्लियर करिए, हमारा वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं, अभी मैंने डिफ्लेशन भी कर दिया डिस्कस, आपको डिसइन्फ्लेशन भी कर दिया है, अच्छे से उसको समझिए और फिर देखिए, सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट भी करेक्ट है, तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू। उसके बाद 72 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, तो फ्रेंड्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दे करके करेक्ट पूछ लिया है, तो फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग स्क्रूटनाइज करेंगे दोनों ही स्टेटमेंट को। थोड़ा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में मैं बता दूं आपको, तो फ्रेंड्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, यानी पब्लिश किया जाता है, जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और इस ये जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है फ्रेंड्स ये टोटल 8 फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, उन 8 फैक्टर्स को देख लेते हैं, जैसे कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स, यानी कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस, यानी एक तरह से देखा जाए तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है इसलिए निकाला जाता है ताकि एक डिटेल्ड पिक्चर आपके सामने पेश किया जा सके कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने यहाँ कानून का किस हद तक पालन करते हैं, इसलिए ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, किसके द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। कितने फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, 8 फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, वो 8 फैक्टर मैंने बता दिया है, उसको आप चाहें तो पेन डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको। आइए अब देखते हैं स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है इट इज़ पब्लिश बाय एमएनएसटी इंटरनेशनल, तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। और सेकंड स्टेटमेंट है इट ऑफर्स अ डिटेल्ड एंड कम्प्रीहेंसिव पिक्चर ऑफ द एक्सटेंट टू विच कंट्रीज अडेयर टू द रूल ऑफ लॉ इन प्रैक्टिसेस, तो फ्रेंड्स ये भी आपको मैंने बताया था कि ये आपके सामने एक डिटेल्ड पिक्चर पेश करता है कि कोई भी कंट्री कानून का किस हद तक पालन करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, टू ओनली। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 है लोन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन एज लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो फ्रेंड्स कुछ लोन्स ऐसे होते हैं यानी कुछ सेक्टर में दिए जाते हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रूप में कंसिडर किया जाता है, तो वो सारे सेक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वो एग्रीकल्चर हो गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो होता है, खादीज एंड विलेज इंडस्ट्रीज हो गया, इन सबको लोन, लोन्स टू इंडिविजुअल अप टू 10 लाख फॉर एजुकेशन यानी एजुकेशनल लोन भी हो गया आपको, हाउसिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सारे सेक्टर में जो लोन्स होते हैं उनको हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन वन है देखिए एजुकेशन वो आपके, और इसमें और भी जैसे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं उनको भी, जैसे SHG हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, लोन्स टू माइनॉरिटीज़ हो गया, वोमेंस हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गया, तो इन सबको यानी इन सबको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है बोल कंसिडर किया जाता है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, आपके सारे ही आंसर बन गए 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, तो क्वेश्चन नंबर 74 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो फ्रेंड्स आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट है द रियल एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज दिस इज़ नॉट द रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट वो होता है जब हम लोग कोई फॉरेन गुड्स को डोमेस्टिक गुड्स के टर्म्स में देखते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। और ये जो फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है इसको, इसका प्राइस जब देखते हैं तो इसमें ये होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इसको नॉमिनल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द नॉमिनल एक्सचेंज रेट
इज़ द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। तो फ्रेंड्स ये एक तरह से आप देख लीजिए, तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, पहला मैं रियल लिख दिया है यहाँ पे, रियल के जगह वहाँ नॉमिनल कर लीजिए और नॉमिनल के जगह रियल कर लीजिए, यानी इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, तो आपका आंसर और इस तरह से आप देख सकते हैं डेफिनेशन, ये दोनों इंटरचेंज कर दिया है आपस में। और तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, यानी दोनों का इनकरेक्ट हो गया, आपका आंसर नहीं बनेगा। तीसरा स्टेटमेंट है रियल एक्सचेंज रेट डिटरमिन्स द इंटरनेशनल कम्पटिटिवनेस ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आपका आंसर बन जाएगा 3 ओनली, जो कि ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उनको तीन तरह के स्टेटस प्रोवाइड किए गए हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। महारत्ना के अंदर टोटल 10 सेक्टर्स जो हैं वो महारत्ना के अंदर अभी तक हैं, और 14 ऐसे सेक्टर हैं जो अभी तक नवरत्ना का स्टेटस मिला हुआ है जिनको, और 73 ऐसे टोटल कंपनी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, जिनको मिनी रत्ना का स्टेटस अभी तक मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो महारत्ना के अंदर जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, सेल हो गया यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद कोल इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सब महारत्ना के अंदर आते हैं। ऐसे टोटल 10 सेक्टर्स हैं जो अभी तक महारत्ना का स्टेटस प्राप्त है, तो उन 10ों को मतलब ये महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना, इन सबको आप गूगल करिए और देखिए बाकी और कौन कौन से कंपनी किस किस स्टेटस के अंदर आते हैं। तो आपका इसमें जो दिया हुआ है, पहला देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बिल्कुल महारत्ना है, और सेकंड है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो फ्रेंड्स ये नवरत्ना के अंदर आता है, और थर्ड है इंडियन रेलवेज कैटरिंग यानी आईआरसीटीसी, तो आईआरसीटीसी जो है वो मिनी रत्ना के अंदर आता है। तो आपका अभी तक आंसर जो है सिर्फ 1 हुआ है, और 4 आइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। तो फ्रेंड्स 1 और 4 जो है आपका वो महारत्ना है, 1 जो है वो महारत्ना है और 4 भी महारत्ना स्टेटस है, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 एंड 4, ऑप्शन सी देखिए। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में आपसे दो स्टेटमेंट देकर के करेक्ट पूछ लिया है। तो फ्रेंड्स आइए थोड़ा सा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में जान लेते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है जो बैंक को ये अलाउ करता है कि वो पैसा उधार ले सकता है कोई भी बॉन्ड्स साइन करके, लेकिन उसको बॉन्ड जब बेच रहे होंगे वो, तो उसके उस समय उनको एग्रीमेंट करना होता है कि वो बॉन्ड जो है वापस खरीदेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट भी ये काम करती है कई बार, कि जैसे गवर्नमेंट को पैसा चाहिए बैंक से, तो बैंक को अपना सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल उनको रखते हैं, ठीक है, और या फिर बॉन्ड्स जो है बॉन्ड्स बैंक को बेच देते हैं, ठीक है, और बैंक को इस बात का एग्रीमेंट करके देते हैं कि इस बॉन्ड्स को हम वापस आपसे खरीद लेंगे। तो एक तरह का ये सेम LAF है, LAF बैंक को ये अलाउ करती है कि बैंक जो है रीपर्चेज एग्रीमेंट्स के साथ पैसे उधार ले सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अवेलेबल ओनली टू द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो है प्राइवेट डीलर्स को भी अवेलेबल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स को नहीं बल्कि प्राइवेट डीलर्स को भी इसका परमिशन है LAF का। सिर्फ इसमें जो RRB होते हैं ना, रीजनल रूरल बैंक, तो उनको अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन LAF का, बाकी प्राइमरी डीलर्स को भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर यूज्ड एज अ कोलेटरल फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ कोलेटरल फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो गया, आपसे करेक्ट पूछा था, तो आंसर बन गया डी ऑप्शन, नाइदर 1 नॉर 2। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है विद रिगार्ड टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA इज ऑफन सीन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज। तो फ्रेंड्स ये यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का डील है, इंडिया का एक FTA है जिनको आगे बढ़ाया गया है अभी 15th समिट में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो आपका आंसर जो है वो यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का ये बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, और अभी हाल ही में 15th समिट जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच समाप्त हुआ है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज एप्लीकेशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा जानिए,
तो फ्रेंड्स, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि जो चंद्रशेखर वेंकट रमन अपने इंडिया का एक फिजिसिस्ट था, वो उन्होंने लाइट स्कैटरिंग के क्षेत्र में काफ़ी काम किया हुआ है। तो उसमें उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि अगर लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कराया जाए, ठीक है, तो कुछ लाइट्स जो डिफ्लेक्टेड होते हैं उनका वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, और इसी इफेक्ट को नाम दिया गया था रमन इफेक्ट, उसको रमन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो मुंबई में टाटा मेमोरियल सेंटर है, उन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया है टू डिटेक्ट आरएनए वायरसेस इन द सलाइवा सैंपल्स, यानी सलाइवा सैंपल्स में आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए आरएनए वायरसेस को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया है, इसलिए ये न्यूज़ में था और इसलिए आपसे पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, इसका यूज़ हम लोग मेडिकल डायग्नोसिस में कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने किया है टाटा मेमोरियल वालों ने। तो पहला जो आपका ऑप्शन है, देख लीजिए, मेडिकल डायग्नोसिस, पहला ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिंग आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेजेस आर्टिफैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, इस कल्चरल हेरिटेजेस के आर्टिफैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट यानी जांच करने के लिए भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्कैटरिंग का यूज किया जा सकता है। उसके बाद जो मिनरल्स है उसकी भी जांच हम लोग इस माइक्रोस्कोप से की कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक जांच इस स्कैटरिंग के द्वारा किया जा सकता है। तो इसलिए आपका तीसरा जो है वो भी करेक्ट हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द मिनरल्स। तो आपके आंसर बन गए 1, 2 and 3, ऑप्शन डी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज कोर इंडस्ट्रीज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में यानी IIP में या IPI में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में कौन कौन से कोर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड। तो फ्रेंड्स, कोर इंडस्ट्रीज के रूप में जो क्लासिफाई है वो टोटल 8 इंडस्ट्रीज हैं जिनको कोर इंडस्ट्रीज के रूप में क्लासिफाई किया गया है। तो वो आठों जो है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इनमें से आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो आपके पहला ऑप्शन में कोल है, तो आपका ये हो गया आंसर। ऑटोमोबाइल्स फ्रेंड्स कोर इंडस्ट्रीज के रूप में क्लासिफाइड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है ये है, रियल एस्टेट भी नहीं है। तो आपका आंसर बन जाएगा 1 and 3, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो ऑप्शन सी में है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 है, इम्प्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड्स, इम्प्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नीति आयोग। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस रिपोर्ट यानी हेरिटेज मैनेजमेंट का जो इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करिए, गूगल करिए और जानकारी जुटाइए इसके बारे में, क्योंकि ताकि आगे अगर कोई भी इस रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। और इसके बारे में क्या क्या जानकारी जुटानी है वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसका की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट्स का, इस रिपोर्ट्स के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, और इससे ज़्यादा जानकारी भी आप अगर जुटाना चाहते हैं तो ये भी जुटा लीजिएगा कि हेरिटेज मैनेजमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आप जान सकते हैं, ताकि आपको आगे फर्दर किसी भी क्वेश्चन में इस रिपोर्ट से रिलेटेड या हेरिटेज मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे इस इनिशिएटिव से थोड़ा सा भी मदद मिल रहा है तैयारी करने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।